पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो गाइस अभी दिन के बज रहे हैं 2 और हम नहा धोकर फ्रेश हो चुके हैं और हमने तैयारी भी कर दी है। आज आपको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम जाएंगे हमारे गांव में, यहाँ नाले में जग दे रहे हैं। तो सब गांव में मिक्स करके पैसे दिए हैं, थोड़े थोड़े सब ने दिए हैं और कुछ लोगों ने घर से ही पूड़ियाँ वगैरह पका के ली हैं। तो हमने भी पकाई थी सुबह। तो अभी जल्दी जल्दी मैं बोल रही हूँ कि जल्दी जल्दी चलो, 2 तो बज गए हैं। और दीदी और मम्मा अभी तैयारी कर रहे हैं। देखिए मम्मा तैयारी कर रही है और दीदी भी अभी तैयारी कर रही है, ये वाली और देखिए इनका मेकअप। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं धाम खाने। तो अभी वहाँ से 2 रास्ते आते हैं, एक नीचे के लिए तो एक ऊपर के लिए। तो हम ऊपर वाले रास्ते जाएंगे, हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे। और तो हेलो गाइस, रज्जी ने बोला ही होगा आपको कि हम जा रहे हैं धाम खाने। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रास्ते में। तो आपकी व्लॉगर रजनी भी पीछे पीछे है क्योंकि ये बोलने लगी कि थोड़ी सी व्लॉगिंग आप कर दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कर लूँ क्योंकि मेरा भी व्लॉग है। तो मेरे चैनल का नाम नीलमा देवी है, तो आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे गांव में, इसने तो बोला ही होगा, फिर भी मैं आपको बोल देती हूँ क्योंकि हमारे गाँव में सभी गाँव वाले इकट्ठा होकर एक मतलब जग जस लेते हैं, पूरे गांव को दावत करते हैं और उनको खाना खाने की दावत करते हैं। तो सभी जाते हैं, अगर कोई नहीं जाएगा तो फिर नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए हम सभी जा रहे हैं। तो मेरे पीछे रजनी, रजनी के पीछे दीदी, दीदी के पीछे मम्मा, तो सभी जा रहे हैं। अभी हम आधे रास्ते पहुँचे हैं। तो यहाँ का कुछ व्यू देख सकते हैं, पीछे मक्की भी थोड़ी थोड़ी बनी है क्योंकि ऊपर से बारिश होने का नाम नहीं है, तो कहाँ से बनेगी। तो ये तो जग जैसा हो रहा है, ये किसी नाले में होगा। तो वहाँ जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ का व्यू भी हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो भी बने रहे, वीडियो को तक देखें तो पूरा व्यू दिखाएंगे। जी हैं, तो यहाँ का भी वैसा है, रस्ते का ही है। तो नीचे देखिए इस साली ये मंदिर बना है, बहुत लंबा मंदिर बना है। हमारे गांव में तो सबसे ऊंचा मंदिर यही है। देखिए यहाँ पे स्कूल, और ये नीचे देखिए नाला भी सूख गया है और बहुत ज़्यादा लोग हमें मिले रास्ते में और वो खा के भी आ गए हैं। हम ही जा रहे हैं सबसे लेट, अभी तो बहुत होंगे पर चुप चुप क्यों बनाती है पता है? मैं नहीं छुपती हूँ, बनाई कुछ मैं क्या सिखाती हूँ, देख लेते हैं मुझे। इसलिए आपको गाइस सबको पता है, हाँ मुझे पता है, इनको भी पता है, सबको पता है मैं शर्माती कितनी हूँ। क्यों नहीं, इतना हम पहुँचने ही वाले हैं। तो अभी हम चल भी रहे हैं, दीदी पीछे पीछे ही हैं। तो आपको पता ही, दीदी हर वक्त पीछे ही होती है, पता है ना आपको? मैं नहीं छुप रही थी, मुझे अब लोगों के सामने शर्म आती, तब क्या उनके सामने क्या करना है फिर? तो फिर आगे आगे सीखती हूँ ना मैं, अभी कहाँ कुछ कर रही हूँ, सीख लूंगी आगे आगे थोड़ा थोड़ा। बट आपको व्लॉग में नहीं दिखाई कभी, तो जरूर अगली बार जब आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कसौट कैसे बनती है। तो अब हमने सामने पेड़ दिखाया है वो वाला। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो देखिए यहाँ पर खाना दे रहे हैं, ये खाना देंगे हमें, अब हम खाना खाएंगे। तो अब हम हलवा खाएंगे और अब हम खाना खाएंगे। देखिए हमको खाना भी दे दिया है और हम खाना खा रहे हैं। हम चल पड़े हैं घर को खाकर। तो पीछे देखिए, तो वहाँ से अभी हम यहाँ पे आए हैं और अभी हम चल रहे हैं घर के लिए। तो क्या क्या खाया बताओ मुझे, क्या क्या खाया? मैंने खाया दाल, मैंने खाया चावल, मैंने खाया खीर और मेरा पेट हो गया फुल। अच्छा तो आप अब फुलकी नहीं खाए थे क्या? फुलकी नहीं खाए थे क्या? एक गिलास भर की खीर। ओह माय गॉड, बस बस चुप चुप चुप, मैंने इतना नहीं खाया, मैंने थोड़े चावल और एक
ग्लास नहीं, एक ग्लास नहीं, एक ग्लास से कम खीर। चलो तो गाइस वो देखिए ग्राउंड में लड़के 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 खेल रहे हैं। ये स्कूल भी है और ये लड़की भी गई थी वहाँ पर। और ये आगे आ गया हमारा गांव, देखिए यहाँ हमारा घर है और यही इतने, ये हमारा गांव आ गया। तो ये ऊपर का एरिया है। तो ये आगे आगे चल रहे हैं, देखिए कैसे स्टाइल से चल रहे हैं, जैसे कहेंगे हम शादी में गए थे ना वैसे चल रहे हो। ये कौन सा तरीका है चलने का, ऐसे नहीं तो शादी में तो फिर वो तो डांस करने था, आप डांस ही कर रहे हो ना रास्ते में। अच्छा अच्छा मुझे नहीं था पता, चलो सिखा दिया। तो देखिए मम्मी चुन रही है सब्जी और जो कसरोड़ की सब्जी, तो आपको मालूम ही होगी, देखिए मालूम तो कहाँ से होनी है। चलो देखिए मम्मी ने ये चुनी है कसरोड़ की सब्जी। अच्छा तो आपने किसका व्लॉग दे, तो देखिए हम बोलते हैं कसरोड़ और उत्तराखंड में बोलते हैं लैंगड़ा। तो हम उत्तराखंड का व्लॉग मैं तो नहीं देखती, दीदी देखती रहती, तभी ये बोरी खुद लैंगड़ा बोलते। अच्छा किसी के ना ज्यादा नहीं बनना चाहिए फिर। हाँ आज मैं आपको दिखाऊंगी कसरोड़ की सब्जी, आप कहाँ से गाँव में चल पड़ी। तो देखिए ये कसरोड़ की, उसको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। वो तो है, फिर किसी नाटक थोड़ा ना करना होता है। तो फिर किसने बोला कि तो देखिए ये रास्ते में पेड़ है, उधर इधर से रास्ता मिल दी थी तो नीचे से ही चला गई। तो देखिए ये रहा पेड़ और बनानवीन दीदी। तो ये रजनी जा चुकी है, तो चल पड़ी है देखो इसकी स्टाइल और इसका एटीट्यूड चलने का। अभी तक देखिए मेरे नहीं बोल रही कि अपना इसका एटीट्यूड देखिए ना। तो कुछ अपना ही मूड बिना कि तो ऐसे वैसे चल रही है कुछ। तो गाइस ये मेरे से रूठ चुकी है क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ खो रही हूँ। तो बादल भी देख सकते आप कैसे डगमगा रहे हैं, चल रहे हैं। अच्छी बात है अगर बारिश लगी तो, बारिश का कुछ नाम है नहीं आने का, तो क्या करें, क्योंकि इस इलाके में बारिश का आने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मक्की पूरी सूख चुकी है, पेड़ भी सूख चुके हैं। और हमारा घर आपको सामने दिख ही रहा होगा क्योंकि आगे जो सामने छोटी छोटी टीन दिख रहा है वहाँ पे हमारा घर है, हम वहाँ से आए थे। सब्सक्राइब करना।